साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं श्री राहुल गांधी जी आजकल यात्रा पर निकले हैं और अपनी यात्रा के संदर्भ में वो जम्मू कश्मीर में भी आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से कुछ सवाल पूछना चाहती है जिसके जवाब श्री राहुल गांधी जी को देने होंगे। श्री राहुल गांधी जी को बताना होगा कि भारत के विभाजन के लिए कौन जिम्मेवार है। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ तो सत्ता के लालच में किसने, किस खानदान ने भारत के विभाजन की अनुमति दी? और श्री राहुल गांधी जी को यह भी बताना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अलग से कानून, अलग से झंडा और अलग से यहां प्रधानमंत्री की अनुमति दी। एक देश में एक कानून होता है, एक देश में एक झंडा होता है, हर एक देश में एक प्रधानमंत्री होता है, लेकिन क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, जिनका वो महिमा मंडप करते हैं, उन्होंने देश की आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में अलग से कानून दिया? क्या कारण थे कि राहुल गांधी जी के खानदान ने जम्मू कश्मीर में अलग से झंडा दिया? और क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर राहुल गांधी जी के खानदान ने अलग से प्रधानमंत्री दिया? क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम दिया गया? भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने और भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके बलिदान ना दिया होता और आज राहुल गांधी जी भी जम्मू कश्मीर आते तो उनको भी परमिट की जरूरत पड़ती। परमिट एक प्रकार से पासपोर्ट जैसे दूसरे देश में जाने के लिए बनाने की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार की व्यवस्था जम्मू कश्मीर से बाहर जाने के लिए और जम्मू कश्मीर में आने के लिए राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में परमिट सिस्टम लगाया था। आज भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के बलिदान के कारण वो परमिट सिस्टम खत्म हुआ तो राहुल गांधी बिना किसी रोक टोक, बिना किसी रुकावट वो जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। तो उसके पीछे भारतीय जनसंघ के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का बलिदान। आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को श्रीनगर में तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं। आज तो वो तिरंगा झंडा लहराने की बात करते हैं, परंतु श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा क्या कारण था कि तिरंगे के अलावा उनके खानदान के नेताओं ने, जो जिन्होंने देश पर राज किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 70 साल अलग से यहां झंडा दे के रखा, अलग से कानून। आज श्री राहुल गांधी जी देश के कानून की बात करते हैं, लेकिन 70 साल श्री राहुल गांधी जी की पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर देश का कानून लागू नहीं होने दिया। श्री राहुल गांधी जी को इन सारे सवालों के जवाब देने पड़े।
श्री राजीव गांधी जी जो राहुल गांधी जी के स्वर्गीय पिताजी थे, उन्होंने जब देश के अंदर पंचायती राज लागू किया, क्या कारण थे कि 40 वर्ष तक देश के पार्लियामेंट में पास होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट 73rd और 74th अमेंडमेंट क्यों लागू नहीं की गई? ये जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है। जम्मू कश्मीर की जनता श्री राहुल गांधी जी से सवाल पूछती है कि क्या कारण थे कि जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोगों को उनके हक नहीं दिए गए। पूरे देश में गुज्जर बकरवाल जो एसटी के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी। जम्मू कश्मीर में श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने गुज्जर और बकरवाल लोगों के राइट्स, उनके अधिकारों का हनन किया। क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक नहीं दिए? उसके क्या कारण थे? क्या कारण थे कि श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज के लोगों को उनके हक नहीं दिए? महिलाओं को जम्मू कश्मीर के अंदर 70 साल कांग्रेस की सरकारों के दौरान अधिकार नहीं मिले। पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्या कारण था कि 70 वर्ष तक जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित रेफ्यूजीज को यहां जम्मू कश्मीर में अधिकार नहीं दिए गए, उनको नागरिकता नहीं दी गई 70 साल कांग्रेस की हुकूमत के दौरान? श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से 1947, 65 और 71 में जो विस्थापित जो रेफ्यूजीज आए, क्यों उनको अपने हकों के लिए 70 साल दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, दर दर भटकना पड़ा? जम्मू कश्मीर के अंदर हम सबको याद है कि जब श्रीमान अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा जो कोलकाता से शुरू हुई थी और लाल चौक में तिरंगा फहराया जाना था, उस वक्त दिल्ली में श्री राहुल गांधी जी की पार्टी की सरकार थी और जम्मू कश्मीर में भी श्री राहुल गांधी जी की पार्टी के सहयोग से यहां सरकार चल रही थी। तिरंगा झंडा लेकर जम्मू कश्मीर में आए श्रीमान अनुराग ठाकुर जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय अनंत कुमार जी को और हजारों भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था जिनके हाथ में तिरंगा झंडा था। क्या कारण थे कि जिन देश भगत युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगे झंडे थे, उनको कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी की पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया? ऐसे देश भगत नौजवानों को श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों 70 साल जम्मू कश्मीर के अंदर दलित समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज के लोग हो, उन्हें क्यों प्रताड़ित किया गया, उनके अधिकारों का हनन क्यों हुआ? क्यों जम्मू कश्मीर की माताओं बहनों, यहां की बेटियों को अधिकार नहीं मिले?
श्रीमती सोनिया गांधी जी जो श्री राहुल गांधी जी की माताश्री है, वो इटली से उनकी शादी भारत में होती है, वो भारत की नागरिक बन गई, लेकिन 70 साल पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को नागरिकता के अधिकारों से वंचित रखा गया, क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे, उनके दिल में हिंदुस्तान है। श्री राहुल गांधी जी को इन सब सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। श्री राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा का नाम तो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया है, लेकिन श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि 1947 में देश क्यों टूटा, और श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा यहां देश का विभाजन हुआ, वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीओके पाकिस्तानों को पॉइंट जम्मू कश्मीर है, जो आज भी गैर कानूनी तरीके से पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख का एक बड़ा भाग गिलगित बल्टिस्तान जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, और अक्साई चिन जो पूर्वी लद्दाख का हिस्सा है जो चाइना के गैर कानूनी कब्जे में है, ये किसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख का विभाजन हुआ, किसके कारण पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के एक बड़े भाग पर कब्जा किया, और किस परिवार और किस पार्टी की सरकार ने पूर्वी लद्दाख के अक्साई चिन को चाइना को दे दिया, श्री राहुल गांधी जी को जवाब देने पड़ेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी पड़ेगी जो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 70 वर्षों में भारत माता की पीठ पर जो खंजर घोंपा, वो कांग्रेस के कारण हुआ। श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं के कारण हुआ। श्री राहुल गांधी जी को जवाब देना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये आतंकवाद कैसे पनपा, आतंकवादियों के साथ, आतंकी संगठनों के साथ हमदर्दी बरतने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों और पाकिस्तान की मानसिकता वाले संगठनों के साथ हमदर्दी करने का काम श्री राहुल गांधी जी की पार्टी ने किया, और जिसके चलते लाखों बेगुनाह लोगों को इस आतंकवाद की मार झेलनी पड़ी और बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। श्री राहुल गांधी जी को इसके लिए भी देश से और जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी जब जब दिल्ली के अंदर सत्ता में आई, अथवा जब जब कांग्रेस पार्टी के सहयोग से या कांग्रेस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर आई, कांग्रेस ने हमेशा देशभक्त लोगों का अपमान किया, देशभक्तों को प्रताड़ित किया। आज श्री राहुल गांधी जी 26 जनवरी को लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराने की बात कर रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी, जब जब आपकी सरकार देश के अंदर और जम्मू कश्मीर में रही, जो देशभक्त लाल चौक में तिरंगा झंडा लेके जाता था, चाहे वो जम्मू का था या कश्मीर का था, हिंदू है या मुसलमान है या सिख है, कांग्रेस पार्टी ने और उसकी सरकार ने उनको गिरफ्तार किया। श्री राहुल गांधी जी को देश से, देशभक्तों से
और जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। जम्मू कश्मीर के अंदर बर्बादी के मंजर अगर किसी ने लाए वो श्री राहुल गांधी जी की पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोग। आज जब केंद्र के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार आई तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तथा सबका प्रयास इस मिशन से काम करते हुए मोदी जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लिया और पूरे जम्मू कश्मीर में समाज के हर वर्ग को इंसाफ दिया, चाहे वो जम्मू के देशभगत डोगरा समाज के लोग हों जिन्होंने हमेशा सीने पर गोली खाई लेकिन तिरंगा झंडा बुलंद रखा, कश्मीर के अंदर रहने वाले देशभगत हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई बहन हों, गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों, पहाड़ी कबीले के लोग हों, जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित हों, POJK के विस्थापित या जो छंब के विस्थापित हों, देवा बटाला के विस्थापित हों, इसके साथ साथ गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, दलित समाज, जम्मू कश्मीर के अंदर महिलाएं, मातृशक्ति, सबको आज अगर न्याय मिला है, सबको उनके अधिकार मिले हैं तो ये मोदी सरकार ने दिए है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के हर वर्ग के साथ न्याय किया है। जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायतों का सशक्तिकरण हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी को मजबूत किया गया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, सबको साथ लेकर एक स्वर में, एक दिशा में कदम से कदम मिलाकर देश को मजबूती से अगर जोड़ने का काम किया तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया, और अगर देश का बंटाधार किया तो श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के लोगों ने, उनके खानदान से निकले जो नेता रहे उन्होंने देश का बंटाधार किया। श्री राहुल गांधी जी को जब वो अपनी यात्रा के दौरान जम्मू कश्मीर आए तो जम्मू कश्मीर की जनता मांग करती है कि राहुल गांधी जी की पार्टी और उनके खानदान के लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में अत्याचार किए, पाप किए, अन्याय किया, इनजस्टिस किया, उसके लिए और जो भारत माता की पीठ में खंजर खोपे गए, जो कांग्रेस की सरकारों के दौरान जम्मू कश्मीर में देशभक्त लोगों को प्रताड़ित किया गया, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की सरकारों ने जो अपमान किया, उसके लिए श्री राहुल गांधी जी को देश से, जम्मू कश्मीर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राणा जी, आपने कहा कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए देश और जम्मू कश्मीर की जनता से, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि संघ और भारतीय जनता पार्टी मेरे गुरु हैं, तो क्या गुरु का ये फर्ज नहीं बनता कि अपने चेले को अच्छे से समझाया जाए और उसको माफ किया जाए? जो पाप श्री राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी ने
और श्री राहुल गांधी जी के खानदान के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में किए वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। ये अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य पाप श्री राहुल गांधी जी की पार्टी कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी जी के खानदान से निकले बड़े बड़े लोग जो देश के प्रधानमंत्री रहे, जो उन्होंने देशभक्त लोगों को प्रताड़नाएं और यातनाएं दी, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी कि जम्मू कश्मीर के महाराजा धीराज हरि सिंह बहादुर जी का अपमान राहुल गांधी जी के खानदान के बड़े उनके जो पूर्वज पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, महाराजा हरि सिंह जी के गुनाहगार, जम्मू के डोगरों के गुनाहगार अगर कोई है वो श्री राहुल गांधी जी की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और श्री राहुल गांधी जी के खानदान से जो नेता बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने विलय के बाद महाराजा हरि सिंह जी को जम्मू कर कश्मीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया था, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये कुकृत्य किया था, पाप किया था, बहुत बड़ा अपराध पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया था कि महाराजा हरि सिंह बहादुर जिन्होंने जम्मू कश्मीर का विलय भारत में किया, उनको जम्मू कश्मीर से बाहर किसने किया था? वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और श्री राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ेगी कि जब अपने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब जम्मू कश्मीर में आए तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और राहुल गांधी जी के खानदान के बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। उस वक्त स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को गिरफ्तार किया गया लखनपुर में, उनके हाथ में तिरंगा झंडा था और स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु जेल में हुई थी एक साजिश के तौर पर, स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हत्या कर दी गई थी। इसके लिए श्री राहुल गांधी जी को पूरे देश से माफी मांगनी पड़ेगी। किस तरह के पश्चाताप की हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी पाप मुक्त हो सके, किस तरह के पश्चाताप की हम मांग करते हैं कि जो आपके द्वारा आरोप लगाए गए हैं राहुल गांधी पे वो इन पापों से मुक्त हो सके? ये जो कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 70 साल पाप किए, गुनाह किए, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। उनको ये कहना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो देशभक्त शहीद हो गए, जो आतंकवाद से लड़ते लड़ते सिविलियन शहीद हो गए, जो हमारी सेना पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद हो गए, उन सब शहादतों की गुनाहगार कांग्रेस पार्टी है और श्री राहुल गांधी जी को उसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी।